हाँ, मैंने बहुत कोशिश की ना पता चले, लेकिन पता चल ही गया। क्या करें, बैंड ऑफ द डे, जब दिन आता है तो रात भी आती है, रात आती है तो फिर दिन आता है। तो हाँ, थोड़ा वक्त है साहिल को, आई थिंक छोड़ देना चाहिए सारा को, थोड़ा उसको भी बीत करना चाहिए। और संस्कार भी सारा टाइम से घेरा पड़ा था, उसको भी कम कंपेनियन वापस चाहिए। सो आई थिंक बहुत से फैंस हैं जिनको शायद वो चाहते भी कि दोनों वापस मिले, तो मैं छोड़ आप जा सकती हैं। क्या कोई और साजिश नजर आएगी साहिल की तरफ से कि साहिल अभी सुधर जाएंगे? साहिल के सुधरने की उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आदतें बदलती हैं। तो अगर उसे हमेशा से ऑब्सेशन रहा है, तो जब वो थोड़ा दूर रहेगा तो शायद ये आदत कम हो जाएगी रोज देखने की, मिलने की। मैं पर्सनली भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आऊँगा तो कुछ टाइम के बाद आऊँगा, तो लेट्स सी, अगर मैं आता हूँ मेरे फोन आ जाएगा। मैंने आज तक कभी बैड बॉय बन के कभी एग्जिट नहीं किया, अंदर किसी भी शो में मैंने एग्जिट कभी किया ही नहीं है आज तक, तो नहीं किया कोई भी टेलीविजन शो मैंने आज तक किया, वो टेलीविजन शो ही बंद है। कई बार ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट फीलिंग आ रही है, बट एवरी टाइम इज द फर्स्ट टाइम। तो हाँ, अच्छे से बुरा होके जा रहा हूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर जरूर है, क्योंकि आई हैव नेवर वर्क इन अ ग्रेट शेड मी नेगेटिव कैरेक्टर। तो इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे लिए वो भी ऑड था, जब ट्विटर एंड देयर वर लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पीपल आर सेइंग थिंग्स वियर्ड एंड एवरीथिंग इज अ ट्रेंड सेंटर, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली वो इम्पैक्ट तो कैरेक्टर का ही है ना, एंड ऑफ द डे पीपल मौज थिंकिंग के अरे यार गुलशन ग्रोवर की वजह से मेरे, तो मुझे डर लग रहा था उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो बैड मैन है हमेशा से, लेकिन वो बैड मैन है नहीं। क्या कुछ हेट मैसेजेस आपको मिले हैं? हाँ, लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात से ये हेट मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि इट्स अब इफ यू कैन लीव अ इम्पैक्ट ऑन समबडीज माइंड, द कैरेक्टर इज एस्टैब्लिश्ड, आई थिंक जितना मेरे पास था उस हिसाब से मैंने कर लिया, लोगों को डरा दिया। थैंक यू, थैंक यू।